मु देवाशिष स्वाई क्राउन स्टार हैप्पी हेल्थ इंडिया आज स्वागत करुचे वीडियो को जो थे आम आज राइस ब्रान ऑयल विषय जानवा। यस, व्हाट इज राइस ब्रान ऑयल? राइस ब्रान ऑयल टी कौन? प्रथम मु तेल विषय कहवापी चाहूँ। देखो, खाद्य तेल गोटे इम्पोर्टाट सब्जेक्ट आजिका डेट्रे, कारण प्रत्येक व्यक्ति खाद्य तेल व्यवहार करती, प्रत्येक परिवार रे खाद्य तेल व्यवहार हुए। आज ये खाद्य तेल को लेकिन बहुत सचेतन होते समस्ते, कारण विभिन्न प्रकार अपमिश्रण कर विभिन्न प्रकार रोग भी ये खाद्य तेल रोचे। आज समस्ते रिसर्च भी करूँ कौ खाद्य तेल टी आम शरीर पर भल एवं कौटा आम व्यवहार करवा उचित। तो कहुए गोटे व्यक्ति आवरेज गोटे मसरे लगभग गोटे लिटर खाद्य तेल आम व्यवहार कर, तो से जो जिनसटी आम शरीर को जाऊँगी ता विषय चिंता करवा बहुत दरकार, कारण आम स्वास्थ्यपी खाद्य तेल बहुत इम्पोर्टान्स रही। तो यही जगार आज आम बुझा राइस ब्रान ऑयल टी कौन। राइस ब्रान ऑयल चाउल रु बाहर गोटे तेल, आपड़ भावुवे चाउल केमी बाहर जो आपड़ ढिकी कोटा चाउल देखी थे जोटा ब्राउन रईस कि नाली कलर रईस, से जो नाली लेयर टी अच्छी चाउल उपर गोटे परत अच्छे ब्राउन रईस रो ब्राउन परत से लेयर रु ये तेलटी एक्सट्राक्ट कराई था एवं बाहरी था। तो ये तेलटी 100% फिजिकली रिफाइंड, माने रिफाइनिंग कला बेले एथिरे कौनसी केमिकल व्यवहार करा जाए नहीं, जोटा कि आम रिफाइंड तेल साधारण तो कहले आम सबु तेल जी जो तेल गुड़िक कलर कम अच्छी तार कौन गंध कि स्वाद नहीं समस्त आम कौन रिफाइंड तेल, कि ठीक नुहे। प्रत्येक तेलर सोर्स अलग अलग एवं से सोर्स रु का रिफाइनिंग करा जाए। उदाहरण जमती कि पाम रु तेल बाहर पुणी रिफाइनिंग करा जाउचे एवं आम कहे रिफाइंड पाम ऑयल, जमी सूर्यमुखी मंजी रु तेल बाहर ताको रिफाइन करा जाउचे आम कहे रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, से भाई सोयाबीन रु तेल बाहर रिफाइंड करा जाउचे आम कहे रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, से भाई ये चाउल रु भी तेल बाहर रिफाइंड करा जाउचे आम कहे रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल। सो एठी किंतु रिफाइनिंग प्रोसेस रे मार्केट रे जते प्रकार तेल रही प्रचुर मात्रा रे केमिकल्स से व्यवहार करा जाए, जोटा कि ये राइस ब्रान ऑयल रे आ स्पेशली एचएचए राइस ब्रान ऑयल रे कौन से केमिकल व्यवहार करा जाए नहीं रिफाइनिंग रे। ए विषय में आहुरी आपन को डिटेल जानकारी ए वीडियो लास्ट रे देबी। द्वितीय कथा, इथिर प्रचुर मात्रा रे मुफा थाए जोटा कि आम शरीर पर बहुत बढ़िया, ए विषय भी नेक्स्ट मु आपन जानकारी देबी। इथिर प्रचुर मात्रा रे विटामिन ए थाए एवं गामा ओरिजिनल, गामा ओरिजिनल एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट कहुए, यहाँ विश्वर वन ऑफ द पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट जोटा केवल चावल रो नाली परत पर ही मिली थाए। तो ये एंटीऑक्सीडेंट कौन करे, ये ओरिजिनल कौन करे, आम शरीर रे बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करे, आमर हार्ट को भल रखे। जो गामा ओरिजिनल इत्ते पावरफुल आमर कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करा ट्राइग्लिसराइड्स को कंट्रोल करा जे कहा जाए, यह गोटे एलोपैथिक मेडिसिन अच्छी ता ना होचे एटोर वास्टाटिन, जो मानकर हार्ट रे ब्लॉकेज अच्छी से मानकु ए एलोपैथिक मेडिसिन प्रेस्क्राइब करा जाए। से मेडिसिन थारु आहुरी भी 92% बेसी इफेक्टिव होची गामा ओरिजिनल जोटा कि ब्लॉकेज पेशेंट मानक प्रेस्क्राइब करा जाए। आप तले देखु थे गोटे फोटो अच्छी गामा ओरिजिनल कैप्सूल्स रो, तो बहुत पावरफुल है गामा ओरिजिनल। तो आम शरीर को सुस्थ रखा पाई, आमर कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करा पाई, आमर ब्लॉकेज को क्लियर करा पाई गामा ओरिजिनल बहुत काम करे। एवं एहा आमर गैस्ट्रिक एवं एसिडिटी को कंट्रोल करे, आमर बोन जॉइंट्स पे की बहुत बढ़िया, गैस्ट्रिक एवं एसिडिटी प्रॉब्लम को पूरा क्लियर कर दे। जो माने भी गैस्ट्रिक रो एवं एसिडिटी प्रॉब्लम रही, जदि आपण गोटे फ्राए जिनस खाऊंट तुरंत पा पीऊँ एसिडिटी हो राति शोई पार ना, आपण यही राइस ब्रान ऑयल रे गैस्ट्रिक आपण कौन से तेल भजा जिनस खातु आपण कौन से गैस्ट्रिक एसिडिटी हेनी।
ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ ସବୁତକ ଖାଦ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହଜମ ହେଇଯାଉଛି, ଡାଇଜେଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆମର ବୋନ୍ ଜଏଣ୍ଟସ୍ ପାଇଁକି ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ। ଆମ ଶରୀର ଯେତେ ଜଏଣ୍ଟସ୍ ଅଛି ସେ ଜଏଣ୍ଟସ୍କୁ ଜଏଣ୍ଟସ୍ ମଝିରେ ଗୋଟେ ତୈଳ ପଦାର୍ଥ ଗୋଟେ ଗ୍ରୀସ୍ ଲାଇ ଭଳି ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଆମେ କାର୍ଟିଲେଜ୍ ବୋନ୍ କହୁ। ତାହାର ଅଏଲିଂ ପାଇଁ ଏ ତେଲରେ ଯେଉଁ ଗାମା ଅରିଜିନାଲ୍ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆମ ସ୍କିନ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରଖେ। ଯେଉଁମାନେ ଏ ତେଲକୁ ଖାଇବେ ତାଙ୍କର ସ୍କିନ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିବ, ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଡେଭଲପ୍ ହୁଏ। ଦେନ୍ ଆଣ୍ଟି ଏଜିଂ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍, ଏହି ତେଲରେ ଆଣ୍ଟି ଏଜିଂ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ଭରପୁର ହୋଇକି ରହିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ ହେଉଛି ଜାପାନିଜ୍ ଲୋକମାନଙ୍କର। ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଏବଂ ଆମେରିକାର ବହୁତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ସବୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଏତେ ଅଧିକ ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ କେମିତି ଅଛି। ଲଗଭଗ ଆଭରେଜ୍ ଲଗଭଗ 95 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍। ତ ଚେକ୍ କଲାବେଳକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କର ରହିବା ମାନେ ତାଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଏବଂ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଅରାଇଜନାଲ୍ର ମାତ୍ରା ବହୁତ ଅଧିକ ମିଳିଲା, ଯେଉଁଟାକି ରାଇସ୍ ବ୍ରାନ୍ ଅଏଲ୍ ସେମାନେ ପିଢ଼ି ଦର ପିଢ଼ି ଶହଶହ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଯଦି ଆପଣ ବି ରାଇସ୍ ବ୍ରାନ୍ ଅଏଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ବଢ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଶରୀର ବୁଢ଼ା ହେବନି, ଆମର କୋଷଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ୟଙ୍ଗ ରହିବ, ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିବ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଏ ତେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ କମ୍ ହୁଏ। ନର୍ମାଲି ମାର୍କେଟରେ ଯେକୌଣସି ତେଲ ଅଛି ସେଥିରୁ 30% ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଲିଟର ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଛି, ରାଇସ୍ ବ୍ରାନ୍ ଅଏଲ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଲଗଭଗ 700 ml ଆପଣଙ୍କର କାମ ହୋଇଯାଉଛୁ। ଆଉ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ସେଥିରୁ ବି କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ ଆନ୍ ଆଭରେଜ୍ 30% ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ ସଞ୍ଚୟ କରିବେ, ବଞ୍ଚେଇବେ ଏ ତେଲରେ। କାରଣ ତା'ର ବି 2 କାରଣ ଅଛି। ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହେଉଛି ଲୋ ଭିସ୍କୋସିଟି ଆଉ ହାଇ ସ୍ମୋକିଂ ପଏଣ୍ଟ। ଏ ତେଲ ଖାଦ୍ୟ ଧରିପାରେନି, ଖାଦ୍ୟ ଏ ତେଲକୁ ଧରିପାରେନି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଫ୍ରାଏ କରିବେ କିମ୍ବା ବିରିୟାନୀ ବନେଇବେ ଦେଖିବେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା ପରେ ହାତରେ ତେଲ ଲାଗେ, ଏଥିରେ କେବେ ବି ତେଲ ଲାଗିବନି କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟରେ ବି ତେଲ ଲାଗିବନି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ହାଇ ସ୍ମୋକିଂ ପଏଣ୍ଟ, ଏହି ତେଲ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ତାପମାନ ସହିପାରେ, ଯେଉଁଟା ଅନ୍ୟ ତେଲ ସେତିକି ତାପମାତ୍ରାରେ ଯେତେବେଳେ ହିଟ୍ ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ତେଲ ପୋଡ଼ିଯାଏ, କଳା ପୋଡ଼ିଯାଏ, ଧୂଆଁ ଉଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ଏ ତେଲ ନା ଧୂଆଁ ହେବ ନା ପୋଡ଼ିବ, କାରଣ ଇଏ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ସହିପାରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ 5 ଲିଟର ଅନ୍ୟ ତେଲ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ତାହେଲେ ଲଗଭଗ 3.5 ଲିଟରରେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ତେଲରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ହୋଇଯିବ। ତ ବହୁତ ଗୁଣବାନ ଏ ତେଲ, ବହୁତ ଫାଇଦା ରହିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ମୁଁ କଥା ହେଉଛି ଏବାଉଟ୍ ମୁଫା। ମୁଫା କ'ଣ? ଆମେ ତେଲ ଏଥିପାଇଁ ଖାଉଛେ କାରଣ ଆମ ଶରୀରକୁ ଫ୍ୟାଟ୍ସ ଦରକାର। ତ ଏଇ ଫ୍ୟାଟ୍ସ ବି 3 ପ୍ରକାରର ଥାଏ, ଗୋଟେ ସାଚୁରେଟେଡ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ ଯେଉଁଟାକୁ SFA କୁହାଯାଏ, ଗୋଟେ ମନୋ ଅନ୍ସାଚୁରେଟେଡ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ସ ଯେଉଁଟାକୁ ମୁଫା କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପଲି ଅନ୍ସାଚୁରେଟେଡ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ସ ଯେଉଁଟାକୁ ପୁଫା କୁହାଯାଏ। ନର୍ମାଲି ଆମ ଶରୀର ପାଇଁକି ହିତକାରୀ ସବୁଠୁ ଭଲ ଫ୍ୟାଟ୍ସଟା ହେଉଛି ମୁଫା, କାରଣ ସାଚୁରେଟେଡ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ ଆମ ଶରୀରରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ବହୁତ ଅଧିକ କରିଦିଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ହାର୍ଟ ବ୍ଲକେଜ୍ ଏବଂ ବ୍ରେନ୍ରେ ମାନେ ଆମ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଏବଂ ଆମ ହାର୍ଟ ଭିତରେ ବ୍ଲକେଜ୍ ଆସିପାରେ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ପାମ୍ ଅଏଲ୍ 51% ସାଚୁରେଟେଡ୍ ଫ୍ୟାଟ୍, ସେହିଭଳି ବାଦାମ ନଡ଼ିଆ ତେଲରେ 92% ସାଚୁରେଟେଡ୍ ଫ୍ୟାଟ୍। ଯେଉଁ ଫ୍ୟାଟ୍ ତେଲରେ ଫ୍ୟାଟ୍ସ ଅଧିକ ଥାଏ ସାଚୁରେଟେଡ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଜମିଯାଏ, ବସିଯାଏ, ସେଥିରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ବଢ଼େଇବାର ପ୍ରପର୍ଟିସ୍ ଥାଏ। ସେହିଭଳି ପୁଫା ଆମ ଶରୀରରେ ସେ ବି କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲର ବାଲାନ୍ସକୁ ଠିକ୍ ରଖିପାରେନି, ତା'ର ବହୁତ ନେଗେଟିଭ ଇନଫର୍ମେସନ୍ସ ବି ଅଛି, ୱିକିପିଡ଼ିଆରେ ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ସବୁଠାରୁ ଉପଯୋଗୀ ଏବଂ ବେଷ୍ଟ ହେଉଛି ମୁଫା, ମନୋ ଅନ୍ସାଚୁରେଟେଡ୍ ଫ୍ୟାଟି ଆସିଡ୍ସ। ମୁଫା କ'ଣ କରେ? ଆମ ଶରୀରରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ, ବ୍ୟାଡ୍ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲକୁ କମ୍ କରେ ଏବଂ ଆମର ହାର୍ଟ ବିଚାରେ ଭିତରେ ବ୍ଲକେଜ୍ ଆଣିବାକୁ ଦିଏନି ଏବଂ ଆମର ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭିତରେ ବ୍ଲକେଜ୍ ଆଣିବାକୁ ଦିଏନି, ଯେହେତୁ ମୁଫା ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ବାଇ WHO। WHO ବି ରେକମେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ତେଲରେ ମୁଫା ଅଧିକ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ରହିବା କଥା ଏବଂ ସାଚୁରେଟେଡ୍ ଫ୍ୟାଟ୍, ପଲିଅନ୍ସାଚୁରେଟେଡ୍ ଫ୍ୟାଟ୍
अल्प अल्प मात्रा रे रहिबा उचित। से अनुसार देखिए दुनिया रे जते प्रकार तेल अछि केवल राइस ब्रान ऑयल ही एई मापकाठी को सूट करूछि कन्फर्म करूछि। नेक्स्ट आपण जदि विकिपीडिया रे भी सर्च करंथे जो फैट्स विषय मु आपण कहले आपण पाम ऑयल सर्च करिवे सेठि आपण निजे देखि परिवे एठी गोटे पॉइंट भी दिया जाइछि आपण एठी पढ़ी परिवे जोटी रेड सिग्नल अच्छे पाम ऑयल इज ए कॉमन कुकिंग इंग्रेडिएंट इन द ट्रॉपिकल बेल्ट ऑफ अफ्रीका साउथ ईस्ट एशिया एंड पार्ट्स ऑफ ब्राजिल माने गरीब एवं अंडर डेवलप कंट्रीज मानक ही बेसिकली पाम ऑयल बिक्री करा लोक मैंने व्यवहार करते प्रत्येक डेवलप कंट्री रे आज ये पाम ऑयल को बैन कर दिया जाए यूरोप यूएसए से पाम ऑयल पाइबे इवन मलेशिया जो सब अधिक पाम ऑयल आम इंडिया को इंपोर्ट कराऊ मलेशिया आसूँ से भी से तेल को खाते नहीं कि व्यवहार करते कारण ए प्रचुर मात्रा रे सैचुरेटेड फैट था जहाँ नेगेटिव हेल्थ इफेक्ट्स आपण ये पढ़ी पारे जोटी अंडरलाइनिंग करा सेंटर फॉर साइंस कही पाम ऑयल खाइबा द्वारा ए हाई सैचुरेटेड फैट्स अच्छी जोटा हार्ट डिजीज को प्रमोट करे एवं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहूँ जे पाम ऑयल खाइबा द्वारा कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हमारे अधिक रु अधिक संभावना रही तो आप निजे देखुं सैचुरेटेड फैट्स केत बड़ नेगेटिव इंपैक्ट रोच आम बॉडी रे तो से जगार राइस ब्रान ऑयल को भी आप सर्च करेंगे आज विश्वर बेस्ट तेल बोली आज या मानुंत बहुत गुड़ाक टेस्ट होती बहुत गुड़ाक चेक सबू परीक्षा करना पड़ी जे एथेर आपण निजे देखुं विटामिन गामा ओरिजिनल प्रत्येक प्रचुर मात्रा रे थाए विभिन्न प्रकार हर्बल थेरेपीज रे गामा ओरिजिनल व्यवहार करा जाए एवं आज परीक्षा भी जना पड़ी जे राइस ब्रान ऑयल खाइबा द्वारा 42% कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल जो कोलेस्ट्रॉल खराब कोलेस्ट्रॉल रे डिक्रीज आसी माने खराब कोलेस्ट्रॉल आम शरीर रे कमी तो ये आप विकिपीडिया रे ही पाई पारे गूगल रे। नेक्स्ट तेल रिफाइनिंग कथा देख पूर्व ही कहूली प्रत्येक तेल को रिफाइन करा जाउछि विभिन्न प्रकार केमिकल्स देछि बहुत बहुत डेंजरस केमिकल्स द्वारा तेल गुड़ी को रिफाइन करा जाउछि। मु किछटा उदाहरण आपनु देबी जेमति प्रत्येक तेल से पाम हो किंबा बादाम हो किंबा सूर्यमुखी हो किंबा सोयाबीन हो जेतले प्रथमे तादर तेल कड़ा जाए ताकू कहते एक्सट्राक्टिंग तो गोटे मंजूर मैक्सिमम तेल काढ़ापी मैक्सिमम फैक्ट्रीज मानक गोटे बहुत डेंजरस केमिकल यूज करा ना हो हेक्सेन एटा गोटे पेट्रोलियम पदार्थ जोड़ा कि सॉल्वेंट मैं एक्सट्रैक्शन व्यवहार कर हेक्सेन को व्यवहार करने द्वारा कौन हुए ना गोटे मंजूर अधिक रु अधिक तेल एक्सट्राक्ट हो जाए तो जोटा कि आम तापर शरीर व्यवहार कर खाली से नुहे एक्सट्राक्शन पर गोटे तेलर पूरा रिफाइनिंग होगा विभिन्न प्रकार प्रोसेस थाए डीगमिंग डिओडोराइजेशन ये सबू प्रोसेस रे बहुत डेंजरस केमिकल्स कॉस्टिक सोडा एसिड यूज करा हो जाए भावंत आम जदि यही केमिकल्स युक्त तेल व्यवहार करवा आम शरीर केमी सुस्थ रम इम्यूनिटी केमी सुस्थ र तो ये SHI राइस ब्रान ऑयल 100% फिजिकल रिफाइंड एटा एक पेटेंटेड प्रोसेस माध्यम रे 100% फिजिकली माने बिना केमिकल द्वारा रिफाइनिंग करा जाउछि एवं सेतिपई भारत राष्ट्रपति अवार्ड यही तेल को लास्ट 13 वर्ष लाणी मिली चलछि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अच्छी राइस ब्रान ऑयल रो राष्ट्रपति अवार्ड गत 13 वर्ष लाणी कंटिन्यू मिली चलछि। तो देखंतु जदि आमे आमर परिवार को भल पाऊे आम समस्त स्वास्थ्य कामना करचे ताले केमिकल युक्त तेल खाइले केबे भी स्वास्थ्य ठीक रही आम को फिजिकली रिफाइंड तेल ही व्यवहार करने पड़ो। आउ लास्ट मो खर्च विषय टिके कहीदे कही रखुचे जदि आपणकर 30% सेविंग हुए ये तेल रे तो जो भी प्राइस अच्छे जदि आम अन्न तेल को 110 टंका रे भी किणुचे आमको जहाँ
खर्च होउछि आमर आमे 140 टंका रे भी किणिले आमर राइस ब्रान ऑयल सेम खर्च हो तो आउ विशेष जानकारी नवा पे कारण बहुत गुडा ऑफर्स अछि बहुत आउरी बेनिफिट्स अछि से विषय जानिया पे आपण लॉग इन करों happyhealthindia.co.in रे किमा thesuccessful.co.in रे तो आशा करूछि आज आप सब किसी जाने बहुत किसी जापारे राइस ब्रांड विषय पुणी देखा आजपाई ये नमस्कार।